We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो देखने में बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम पिवट पॉइंट की बात करने वाले हैं, लेकिन पिवट पॉइंट हम डे ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करेंगे। हम एक इन्वेस्टमेंट थीम को किस तरह से ट्रैक करते हैं पिवट सिस्टम पे, हम उसकी बात करेंगे। हम उस मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक डे ट्रेडिंग टूल नहीं है, आप इसके द्वारा जो है वो साइकिल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल को जो है वो आप टर्निंग पॉइंट को कैच किस तरह से कर सकते हैं, आज हम उसकी डिस्कस करेंगे। और पिवट पॉइंट को इन्वेस्टर्स को क्यों यूज करना चाहिए, हम इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन बुक्स यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो है वो 4 ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल की बात कही गई है। मतलब 4 साल का वहां पे प्रेसिडेंट का जो ईयर होता है वहां पे इलेक्शन का, उसकी साइकिल की फोरकास्ट किया गया। लेकिन हमारे यहाँ 4 साल का नहीं होता, हमारे यहाँ 5 साल का होता है। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं होती है, सरकार जो है वो 5 साल के लिए कोई योजना को लागू करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, और वो इस 5 साल और अगले 5 साल में जो है, मतलब 5+5 अगले 10 साल में जो है वो हमको दिखाई देता है कि उसका क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे हुआ। सरकार जो एक्सपेंडिचर, जो कैपेक्स प्लान इस 5 साल में करेंगे, उसका जो है आउटकम हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स में दिखाई देता है। तो इसी कारण से जो है ये 5 ईयर का जो साइकिल है वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए जो है हमने 5 ईयर पिवट को यूज किया है, CPR सेंट्रल पिवट रेंज, एक बहुत ही फेमस टूल है, ट्रेडिंग टूल है, पिवट बॉस में लिखा हुआ है, सभी लोग यूज करते हैं। YouTube पे यदि आप सर्च करेंगे, Google पे करेंगे, तो आजकल आपको CPR पे बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऑल आर फॉर डे ट्रेडिंग वहां पे। लेकिन मैं आप लोगों को जो बात करने वाला हूँ वो प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ कि 5 साल का हमको CPR निकालना है, 5 ईयर्स का मोस्टली आपको, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई सॉफ्टवेयर जो है वो ये इसको देती है, और यदि देती है तो वो सिर्फ नॉर्मल पिवट पॉइंट देती है, CPR नहीं देती है। तो इसके लिए, और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो एक एक्सेल शीट जो है वो मेंटेन आप कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट स्टॉक्स का जो है वो ईयर का हाई लो क्लोज जो है वो एक एक्सेल शीट में जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं लगता, और एक किसी भी फ्री रिसोर्स से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने भी जो है वो उसी फ्री रिसोर्स से, आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो मोस्टली आप लोगों के पास लाता हूँ, तो वहां पे जो है वो मंथली के हाई लो क्लोज ओपन दिए रहते हैं, उसको कन्वर्ट करके आप ईयर में जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत सारे और भी वेबसाइट हैं जो फ्री में जो है वो आपको ये चीज देते हैं। तो ये निफ्टी का डेटा है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये 1994 से लिया हुआ है, जब से हमारा जो है निफ्टी स्टार्ट हुआ है, 1994 से लेकर के अभी 2022 तक का जो है वो डेटा यहाँ पे, ये सिर्फ ओपनिंग ही मैंने डाला है 2022 का, क्योंकि अभी हाई लो क्लोज क्या होगा वो हमको पता नहीं है, बाकी जो है वो मैंने सबका ओपन हाई लो क्लोज जो है वो देख दिया है। तो सिंपल में मैं यहाँ पे निफ्टी का आपको एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, आप इसी तरह अपने फेवरेट स्टॉक का कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप कमेंट हमें कीजिएगा, जो भी स्टॉक्स जो फेवरेट, जिसके लिए जिस स्टॉक के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, हम उस पर भी रिसर्च करके आप लोगों के सामने एक वीडियो को लाएंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये ओपन हाई लो क्लोज दिया हुआ है, हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम हाई, मतलब उसका एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो जो है वो हमने कैलकुलेट किया। यहाँ आपको सिर्फ दो ही, चूंकि 5 ईयर का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 1994-1995 से ये 2 ही साल का आएगा, तो हमने यहाँ पे 2 ईयर्स का जो है वो बाय डिफॉल्ट वो आपको निकालना पड़ेगा। देयर आफ्टर जो है वो हमारा 5 ईयर का साइकिल स्टार्ट हो जाता है 1996 से 2000, 2001 से 2005,
2006 से 2010, 11 से 15, 16 से आपको जो है वो 20 मिलेगा, 11 से 11 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा 15, 16 से 20 और अभी हमारा 21 से 25 के बीच में ये 5 ईयर का जो है वो चल रहा है। हमने क्या किया है, हमने जो है वो इसका जैसे यहाँ पे हमने मैक्स करके दिया है, ये मैक्स सेलेक्ट करेंगे, ये हाई है तो यहाँ पे 1996 से लेकर के 2000 तक का जो भी हाई होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो 1818 है, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे आ गया है, ये मैक्स C4 से C8 ये हमारा आ गया। उसी तरह से जो है वो हमने इसका मिनिमम लिया, मिनिमम जो है वो हमारा 775 है, वो हमारा आ गया है। सेम वे 2001 से लेकर के 2005 तक में जो है वो हमारा है 2857 है और यहाँ पे 2001 से लेकर के 2005 तक का जो लो है वो हमारा 849 है। 2006 से लेकर के 2010 तक का यदि हाई काउंट करेंगे तो 6357 का है जो 2008 का हाई है और यदि हम उसका लो निकालना चाहें तो 2252 है जो 2008 का है, जो मार्केट क्रैश हुआ था 3657 से 2252 तक गया है। उसके बाद 2011 से लेकर के 2015 के हाई काउंट करेंगे तो 9119 और उस दरमियान जो है वो हमको 4531 जो है वो हमको मिला था। सेम वे 2016 से 20 तक का जो है वो 2020 का है 1424 और हम जो है उसका मिनिमम निकालेंगे मीन तो 6825। इस तरह से जो है हमने 5 ईयर का जो है वो हाई लो, हाई है ये, लो है ये, क्लोज, इस डेटा को जो है वो हमने यहाँ पे दूसरे एक्सेल शीट में डाल दिया। ये देखिए हमारे पास जो है ये पूरा डेटा जो है वो हमारे पास आ गया है। हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट को यूज किया है जो विल्स वाइल्डर ने सबसे पहले समझाया था और वही आपको पिवट बॉस में भी उसी सेम फॉर्मूला को यूज किया गया है। इवन आप जॉन पर्सन के बुक को रेफर करेंगे तो R1 R2 का जो फॉर्मूला दिया हुआ वो कॉन्स्टेंट है, वो जॉन पर्सन की भी बुक पे, पिवट पे लिखी हुई 4 जो मोस्ट फेमस बुक है और जिसको किसी भी पिवट ट्रेडर को पढ़ना चाहिए, फिर चाहे वो विल्स वाइल्डर की सबसे पहली बुक है लॉजिकल ट्रेडर बाय मार्क फिशर, जॉन पर्सन की बुक है और पिवट बॉस, अभी तक की सबसे बेहतरीन बुक जो है वो पिवट बॉस लिखी हुई है। तो ये चारों बुक में जो है वो ये ट्रेडिशनल पिवट निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है जो विल्स वाइल्डर ने अपनी बुक में समझाया है। तो हमने उसी फॉर्मूला को एज इट इज फॉलो किया है, हमने 5 इयर्स का हाई लो क्लोज आपके सामने जैसे प्रीवियस शीट पे जो है हमने जिस तरह से कैलकुलेट किया हमने उसको दिया है। हमने क्या किया है, पिवट पॉइंट ये निकाले हैं सबके, उसके बाद जो है बीसी बॉटम सेंट्रल जो है वो निकाले, बॉटम सेंट्रल का फॉर्मूला होता है हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पिवट और बॉटम सेंट्रल का जो डिफरेंस होता है उसको जब हम पिवट से ऊपर दे देते हैं तो वो हमारा टीसी यानी कि टॉप सेंट्रल बन जाता है। ये हमारा सीपीआर निकालने का एक फॉर्मूला है पिवट बॉस में, इसको बताया गया है। तो ये लेकिन एक्सेल शीट पे निकालने का जो सबसे फायदा आपको मिलता है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में आपको क्या बोलना चाहता हूं। तो आपको दिखाई देगा कि ये देखिए 2000 में जो इसकी सीपीआर रेंज दी गई है, मैं फिर से करूंगा, एक तो देखिए 1995 में जो बना है वो 974 और बीसी जो है वो 1104, यानी कि बीसी जो है वो हायर देन पिवट है और पिवट इज हायर देन टीसी। ट्रेंड जब भी निगेटिव होगा आपका बीसी का वैल्यू, बॉटम सेंट्रल का जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद पिवट लाइन रहेगा, उसके बाद टीसी रहेगा। सेम वे आप देख लीजिए 2000 से लेकर के 2005 का जो डेटा है वहां पे भी जो है वो बॉटम सेंट्रल जो है वो 1296 है, 1285 जो है वो पिवट है एंड 1274 जो है वो आपका टॉप सेंट्रल है। तो यहाँ पे भी जो है बॉटम सेंट्रल जो है वो हमारा सबसे ऊपर है, यानी कि हमारा ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन 2006 से 2010 का जो डेटा 2005 में जो हमने निकाला है उसको, जो उस वैल्यू को जब हम ट्रेड करने बैठे तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाता है, ट्रेंड जो है वो आपको पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, हमारा टीसी 2508 है, हमारा पिवट 2180 है और 1853 बॉटम सेंट्रल है।
तो ये सीक्वेंस जो है वो एक अप ट्रेंड के लिए आइडियल है, यानी कि टॉप सेंट्रल ऊपर रहेगा, बीच में पिवट रहेगा और बॉटम सेंट्रल सबसे नीचे रहेगा। यदि आपको एक्सेल शीट में ये उल्टा नजर आता है तो आपके लिए ट्रेंड नेगेटिव है, और यदि ये सीधा है तो आपके लिए ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपको ये मिलता है कि आपको ट्रेंड जो है वो, हालांकि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का और भी बहुत सारे टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, तो बहरहाल हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो पिवट को यूज करते हैं। तो ये R1 से लेकर के R2 और R3 हमने जो है वो सारा स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो हमने यूज किया है। वेल्स वाल्डर के बुक में R1 और R2 ही दिया हुआ है, R3 के लिए जो है वो हमने पिवट बॉस के फार्मूला को यूज किया गया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह से जो है वो हमने 5 ईयर का जो है वो CPR, एक्चुअल में हमको ये CPR देखना है क्योंकि ये 5 साल का है, और नॉर्मली कोई भी इंडेक्स या स्टॉक यदि वो ट्रेंड में होता है तो मोस्टली हमारा काम जो है वो यहीं तक होता है। वो यदि ट्रेंड में है तो जब कभी भी वो CPR को टेस्ट करेगा, CPR को टेस्ट करेगा तो वहां से एक बाउंस होना एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में आप यदि देखें तो आइडियली जो है यही सीनारियो होती है ये अप ट्रेंड की। यहाँ पे आपको ट्रेंड नेगेटिव था, ट्रेंड नेगेटिव था, ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उसने फर्स्ट रिटेस्ट किया, बाउंस हुआ, उसके बाद फिर रिटेस्ट किया, बाउंस हुआ। जैसे कि आपने डाउट थ्योरी वगैरह में पढ़ी होंगी कि कम से कम 3 वेव या मैक्सिमम 4 वेव, 3 से 4 वेव जो है वो कंटिन्यूस होते हैं किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक में या इंडेक्स में। तो आप जो है वो इसको एटलीस्ट 3 बार नहीं तो 2 बार यूज कर ही सकते हैं जब कभी भी ट्रेंड को जो है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब जस्ट लाइक इलियट वेव जो है, मैं इसको हटा देता हूं। जैसे हम इलियट में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है, और यहां से जो है वो ABC ये इलियट का जो है वो है। तो हम यहाँ पे CPR को किस तरह से यूज करेंगे, हमारा CPR पे ट्रेंड नेगेटिव था, स्टैंडर्ड ट्रेंड हमारा नेगेटिव था, ट्रेंड हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, इसके ऊपर क्लोज दिया, तो हमारा यहाँ पे जो है ये एक्स हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। उसके बाद जब ये फर्स्ट रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे इसका बाउंस आएगा, वी विल मार्क 1, 2, 1, 2, वी विल मार्क ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 और ये हमारा 5। तो नॉर्मली ये 2 सीक्वेंस आपको 2 और 4 जो है वो CPR पे आएगा ही, कुछ केस में जो है वो आपको तीसरा जो है वो आपको आएगा यदि ट्रंकेटेड हाई जो बनाता है वहां पे, लोअर हाई जो बनाता है उस केस में वो यहाँ पे बाउंस कर सकता है कुछ केस में। तो ये स्ट्रक्चर को जो है वो आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी आप पिवट बॉस पे काम कर रहे हो, खास करके CPR पे काम कर रहे हो। तो इलियट का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट, आप कितना परसेंट रिट्रेस होगा नहीं होगा उसको ध्यान में मत रखिए, पर हाँ ये सीक्वेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, और ये पिवट के मैं इसको पिवट वेव बोलता हूं, पर वेव इन द सेंस वो पिवट जोन में टेस्ट होना चाहिए। ये थ्योरी कहीं लिखी हुई नहीं है, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए बोलता हूँ, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि इलियट ये क्यों है। मैं इलियट को पिवट पे समझने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें उसको नाम दिया है पिवट वेव। पर आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो CPR पे समझ में आएगी यदि आप उसको एक ही टूल को यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हमने 5 ईयर का समझ लिया, अब देखते हैं कि इस पे किस तरह से जो है वो निफ्टी ने किस तरह से वर्क किया है। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने इसका नाम दिया था प्रेजेंटेशन का सीक्रेट्स ऑफ पिवट, आज हम लोग उसको जो है वो डिकोड करने वाले हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर जो है वो 5 ईयर के CPR जोन को निकाल करके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये केस स्टडी के रूप में जो है वो हमने इस थ्योरी को लिया है। 5 ईयर का पिवट जो है वो मैंने डिस्कवर किया है, ये आपको कहीं भी मिला ही नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि
फोर ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिकन में, जो अमेरिकन बुक में आप ट्रेडिंग बुक में या मोस्टली WD गैन के बुक में आप इसको सबसे ज्यादा देखते हैं, तो मैंने उस लॉजिक को अपने इंडिया में उसको यूज किया है कि यदि अमेरिका में 4 साल का ईयर का साइकिल हो सकता है तो हमारे इंडिया में 5 ईयर का साइकिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें 5 साल के लिए होती है, तो सारी जितने भी योजना वगैरह लागू होता है वो 5 साल के लिए होगा, उसका आउटकम हमको नेक्स्ट 5 ईयर्स में मिलेंगे जितने भी कैपेक्स होंगे। तो यहाँ से 5 ईयर पिवट का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। तो आइए शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ पिवट। ये ट्रेडिशनल पिवट का जो है वो जैसे मैंने बताया था, हमने यहाँ पे यूज किया है वेल्स वेल्डर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पिवट पिवट हाई लो प्लस क्लोज बाय 3। R1 जो होता है वो 2 into पिवट माइनस लो, S1 जो होता है वो 2 into पिवट माइनस हाई होता है, पिवट प्लस रेंज जो होता है वो R2 होता है, पिवट माइनस रेंज जो होता है वो S2 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेल्स वेल्डर की बुक में, इनफैक्ट आपको पिवट बॉक्स में भी बुक में आपको मिल जाएंगी। तो ये तो फॉर्मूला की बात हो गई, ये सारे चीज जो है वो हमने एक्सेल शीट पे देख लिया है। तो ये 5 ईयर का जो है वो हमने एक्सेल शीट पे कैलकुलेट किया 1995, यहाँ पे मैंने बार दिया है ईयर का दिया है, लेकिन वो ट्रेड जो होगा वो 1996 से 2000 का होगा। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे बॉटम सेंट्रल जो है वो हायर है पिवट से और टॉप सेंट्रल से, तो ये सीक्वेंस हमको देखना है ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो निगेटिव हो गया 1996 से 2000 के बीच का जो डेटा लिया उससे जो हमने पिवट निकाला, वहां पे भी हमारा ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि बॉटम सेंट्रल जो है वो पिवट और टॉप सेंट्रल से ऊपर है, तो हमारा ट्रेंड निगेटिव है। लेकिन सेंट्रल पिवट रेंज को यूज करने वाले जो है वो इस बात को यहाँ पे गौर से देखेंगे और वो समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पे एक नैरो CPR का फॉर्मेशन हुआ है। 1996 से लेकर के 2000 के बीच का जो वैल्यू जोन डेवलप हुआ उसमें 5 ईयर के पिवट पे निफ्टी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 पॉइंट का डिफरेंस पे TC और पिवट है, और उसका सेम वे में 12 से 14 पॉइंट के ऊपर में जो है वो बॉटम सेंटर है। ये 5 ईयर का पिवट है, वहां पे 15 पॉइंट का जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो तो इंट्राडे में भी नहीं होता है आज के डेट में, आज के निफ्टी में देखे तो ये हमको एक नैरो CPR हमको बताता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और हम जानते हैं कि जब कभी भी नैरो CPR होता है तो हमको एक्सपेंशन मिलता है, जो अब ये चूंकि 2000 में हुआ है तो हमको उसको ट्रेड करना है उस पिवट को 2001 से लेकर के 2005 में। और आपको भी पता है कि इस दरमियान जो है सबसे बड़ा बुल रन जो है वो मार्केट में आया था, जिसका जो 6357 तक के हाई तक गया था। तो एक्चुअल में हमको नैरो CPR 5 ईयर के पिवट चार्ट पे हमको यहाँ पे दिख गया, या मतलब है कि 2001 से लेकर के 2005 तक के बीच का जो मार्केट होगा वो ट्रेंडिंग होगा। मार्केट ऑलवेज रन्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यदि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके बाद एक्सपेंशन आएगा, और एक्सपेंशन यदि हो चुका है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरली एक्सपेक्टेड है। तो ये हुआ, उसके बाद देखिए हमारा 2005 का जो पिवट बना है 5 ईयर का, जिसको जो ट्रेड होगा 2006 से लेकर के 2010 तक, वहां पे हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया। जो अभी तक जो है सो हमने उल्टा किया था, टॉप सेंट्रल सबसे ऊपर है, उसके नीचे पिवट है, उसके नीचे बॉटम सेल है, ये आइडियल आपका सीक्वेंस है अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, 2010 में जो डेवलप हुआ जो 2011 से 15 के बीच में ट्रेड होगा वो सीक्वेंस हमारा पॉजिटिव है, 2015 से लेकर के जो है में जो हुआ, 2016 से लेकर के 2020 तक में जो डेवलप हुआ उसका सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव है। और ये भाई हमारा जो है 2020 में जो हुआ है जो 21 से 25 तक के बीच में आपको ट्रेडेबल है वो हमारा वो भी अप ट्रेंड का है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट ने इस CPR पे किस तरह से रिएक्ट किया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि नैरो CPR जो है वो बना था, और आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन, एक नैरो, और यहां पे इसका ब्रेकआउट आया। यहां पे देखने वाले हो कि इंडेक्स ने जो है वो 2 से 2.5 साल का कंसोलिडेशन किया डाउनवर्ड होने के बाद, उसके बाद ये बार जो है वो
1200 के ऊपर, हमारा 1296 आपको याद होगा कि हमने लास्ट में प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो उसके ऊपर इसने मंथ, ये मंथली बार है, निफ्टी 50 मंथली चार्ट है, तो ये मंथली बार है और वहां से हमारा ये नैरो सीपीआर जोन के ऊपर ये ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। इट मींस कि हम अब ट्रेंड में हैं और उसके बाद जो है वो मार्केट एक ड्रीम बुल रन में जो है वो गया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो गया। ये हमको, ये तो मैंने एक आपको बताया, लेकिन हमको तो सीपीआर जोन पे ट्रेड करना है, तो अभी देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह से निफ्टी ने रिएक्ट किया है। ये देखिए, तो ये 2006 से लेकर के 2010 तक का है, सीपीआर जोन जो है वो 2508, 2108, 1853 हमारा आइडियल सिचुएशन है, जो आपको एक अपट्रेंड का होना चाहिए, सबसे ऊपर टॉप सेंटर, उसके बाद पिवट, उसके बाद बॉटम सेंटर। आर वन जो है वो 3512 है, आर टू 4188, आर थ्री 5520 एग्जैक्ट। आप देखिए कि ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है वो गया, करेक्ट हुआ, ये 2252 का लो है, 2252 का लो है, हमारा टीसी जो है वो 2508 है और 2108 जो है वो पिवट था, यानी कि उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ टॉप सेंट्रल को टेस्ट किया, पिवट को टेस्ट नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ टॉप सेंट्रल को टेस्ट किया और वहां से बाउंस किया। यहाँ पे 1296 का था, यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जहां पे वैल्यू जोन जो है वो हमको पॉजिटिव मिला, उसका उसने टॉप सेंट्रल सिर्फ रिटेस्ट किया, पिवट को उसने टेस्ट भी नहीं किया, ये पिवट था 2108 और 2252 का बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम निफ्टी का वहां पे है और वहां से जो है वो बाउंस हुआ था, और बाउंस कहां तक हुआ था, R3 जो है वो 5520 था, मेरे ख्याल से वो 6000 के ऊपर क्लोज हुआ था उस वक्त, यानी कि R3 को जो है वो उसने, जस्ट अ मिनट हम देख लेते हैं, इसका क्लोजिंग जो है वो 6134 है, यानी कि हमारा 5520 है, तो हमारा R3 के ऊपर जो है वो उसने क्लोजिंग किया। अभी उसके बाद क्या हुआ है वो देखते हैं, उसके बाद जो है वो हमारा ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव ही है, 5524, 4914 और 4304, ये जो है वो हमारा सीपीआर जोन है, और R1 जो है वो 7576, R2 9019 और R3 116.81 है, तो ये जो है वो हमारा सीपीआर जोन में उसने कैसे टेस्ट किया, एग्जैक्ट लुक 4531 का उस बीच में बनाया है, जो ट्रेड हुआ 2010 में जो हमारा सीपीआर निकला, 2011-15 के बीच में जो ट्रेडेबल था, वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे आने के बाद उसने पहली बार में जो है सो उसने सिर्फ टॉप सेंट्रल टेस्ट किया था, बाउंस हुआ था, पिवट को उसने टेस्ट नहीं किया था, इस बार उसने टॉप सेंट्रल को ब्रेक किया और पिवट को भी, पिवट लाइन को भी ब्रेक किया, पर बॉटम सेंट्रल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे 4531 से घूम गया। हमारा पिवट जो है वो 4914 था और 4304 बॉटम सेंट्रल था और एग्जैक्ट लो जो है वो आपको 4531। आपको याद रखना पड़ेगा कि हम 5 साल के पिवट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो 2011 से 2015 फिर 2016 से 2020 इस तरह के चलेगा, आप उसका जो है वो वैल्यू को आप देख सकते हैं। तो हमारा पिवट सीपीआर जो है वो 5524 टीसी था, उसको उसने ब्रेक किया, उसके बाद जो है वो 4914 पिवट को ब्रेक किया, लेकिन बॉटम सेंट्रल को जो है उसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जो है उसने R2 तक जो है ऑलमोस्ट R2 को उसने क्रॉस नहीं किया, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 8800 तक है हमारा 9019 का जो है, सो आपको 9019 जो है वो हमारा R2 है और लगभग वहां तक गया था पर उसको क्रॉस नहीं किया था, पर उसको टेस्ट भी नहीं कर पाया। पिवट को टेस्ट करने के बाद जो है वो ऑलमोस्ट R2 तक जो है वो हमारा गया निफ्टी। आइए देखते हैं कि उसके बाद जो है
वो कैसे गया। 2016 से 2020 के बीच का जो हमारा सीपीआर जोन है वो 7731 7278 6825, ये यहाँ से करेक्ट हुआ। आपको याद होगा कि 2015 में 9119 से जो है वो करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, और 2016 का जो लो है वो 6825 है, और हमारा यहाँ पे देख लीजिए कि ये बॉटम सेंट्रल भी 6825 था, और ये लो भी जो है 2016 का जो हमारा 2015 में जो पिवट निकला जो ट्रेडेबल पॉइंट है 2016 से 2020 तक का, तो वहां का बीसी जो है बॉटम सेंट्रल जो है वो 6825 है, वहीं पे निफ्टी ने लो बनाया और उसके बाद वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद जो है वो आपको R1 जो है वो 10025 R2 11866 दोनों क्रॉस हुआ, R3 14613 जो है वो क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन 4042 2020 का जो है वो हाई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बॉटम सेंट्रल को उसने टेस्ट किया। आपको याद होगा कि कोरोना से पहले 12430 का जो है वो हाई बनाया था, उसके बाद जो है वो 7511 का जो है वो लो बनाया, 7511 का लो बनाया, पिवट को उसने टेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट टाइम पहली बार में उसने टेस्ट किया था, पर एग्जैक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप सेंट्रल को ही टेस्ट किया और वहां से बाउंस हुआ है, और 14613 R3 है, लेकिन आपको 14024 2020 का जो है वो हाई है, तो आपको ये जो है वो आपको देखने को मिला है। अब 2020 जो है वो हो चुका है, तो अभी हमारे पास जो 2021 और 25 के लिए जो सीपीआर जोन डेवलप हुआ है वो है वन, आपका जो अभी 21 से 25 के बीच में चला है वो हमारा जो टॉप सेंट्रल है वो 12795 है, पिवट 11610 है, 10424 आइडियल सीक्वेंस है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। टॉप सेंट्रल ऊपर है, उसके नीचे पिवट है, उसके नीचे जो है वो बॉटम सेंट्रल है। R1 जो है वो 16395 है, हम उसके ऊपर है। R2 18809 है, 18600 अभी हमारा रिसेंट हाई बना है, पता नहीं इस बीच में अभी तो ये 2021-22 ही चल रहा है, 23-24-25 तक जो है वो ये पिवट का वैल्यू जो है वो वैलिड है, तो मार्केट किस तरह से अनफोल्ड करेगा वो कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम R2 के बहुत करीब तक पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे ये होल्ड करेगा या यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये मार्केट को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो आखिर क्या करना चाहते। तो लेकिन ये 5000 ये 5 ईयर का जो हमारा CPR जोन है जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए वो यही है, टॉप सेंटर 12795, पिवट जो है वो 11610, 10424 बॉटम सेंट्रल है, R1 16395, R2 18809 और R3 23594। तो ये एक कोशिश थी कि हम पिवट को जो है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो यूज किया। हमने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए निफ्टी को दिखाया है, क्योंकि निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स है, आप किसी भी स्टॉक का इस सेम फॉर्मूला से सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके आप किसी भी स्टॉक्स का जो है वो इस तरह के पिवट 5 ईयर का पिवट जो है वो निकाल सकते हैं। हमने लॉजिक भी जो है वो आप लोगों से शेयर कर दिया, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का साइकिल 5 ईयर्स का है, अमेरिकन साइकिल जो है वो 4 ईयर का है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये कोशिश जो है वो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट पिवट का जो भी हो वो हमको इस वीडियो पे जरूर दें, और कौन से स्टॉक्स का जो है वो इस तरह का लॉन्ग टर्म पिवट पे वीडियो हमसे चाहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।